मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क पे एक मोड़ आया मैं उठे दिल छोड़ आया। पाकिस्तान की शान जरूर है और दामाद है पाकिस्तान का, भूलिएगा मत। सनी भाई ये देख रहा हूँ मैं बड़े। देखिए गदर जो थी हम लोगों ने तो बनाई थी लेकिन लोगों ने इसे गदर बना दिया था और ऐसी गदर बनाई कि उसके बाद आसमान पे उठा दिया और हमेशा डर लगता है कि एक पिक्चर जो इतनी कंप्लीट फिल्म हो उसे फिर से छेड़ा जाए तो इसलिए मैं डर बहुत रहा था। बहुत से लोगों ने और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी लेकिन बहुत जाने मानी हस्तियाँ थी फिल्म इंडस्ट्री के, बहुत बड़े लोग थे, बहुत बड़े जाने माने हस्तियाँ, सब ने कहा कि आप ये कैसे रोल करोगे और क्यों करोगे। सलमान खान के साथ मैं फिल्म कर रही थी, कॉलेज लड़की थी। अजय देवगन के साथ फिल्म कर रही थी, वो मेरे प्रोफेसर थे, मैं स्टूडेंट थी, वहाँ भी कॉलेज स्टूडेंट थी। ऋतिक के साथ दो दो फिल्में कर रही थी, कहो ना प्यार है और आप मुझे लगने लगे, मैं कॉलेज स्टूडेंट थी। तो जब यहाँ मुझे ये सब्जेक्ट नरेशन करा किया था और कहो ना प्यार रिलीज़ नहीं हुई थी तो सबने कहा कि आप तो माँ का रोल कर ही नहीं पाओगे। तो मुझे चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं, इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड मैं एक चैलेंज को, एक चुनौती को आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन जाके अपनाना चाहती हूँ। एंड आई हैड फेथ बिकॉज आई न्यू कि मेरे डायरेक्टर जो है ही इज़ ब्रिलियंट एंड इतनी खूबसूरत प्रेम कहानी शायद ना कभी लिखी थी और ना लिखेंगे कोई भी, तो मुझे हाँ करना ही था। यस बहुत मुश्किल था लेकिन अनिल जी पेशेंटली मेरे साथ बैठते थे लुक पे, हर चीज़ पे, कि तब मैं कैसे थोड़ी मैच्योर कॉलेज स्टूडेंट नहीं लगूँ, थोड़ी एक माँ का रोल जैसे मैं लग जाऊँ एक माँ। उन्होंने 6 महीने मेरे साथ लगातार डायलॉग्स पे, लुक पे, दिन रात हम लोग 12-12 घंटे बैठते थे। और लोगों ने गदर के आने के पहले गदर को गटर कहा था और ये दिल को मुझे बहुत छू गई थी ये बात और मैंने बोला डिजेक्शन नहीं, ये मैं ज़्यादा मेहनत करूँगी। जब गदर 2 की बात आई तो फिर से वही सवाल उठे कि डूड हैव यू सीन योर सेल्फ ऑन इंस्टाग्राम, यू नो लेजी लम्हे की लड़की अब कैसे गदर करेगी, हाउ विल शी प्ले अ मदर ऑफ अ 20+ year boy। मैंने बोला फिर से वही सेम सवाल, फिर से वही चुनौती, मुझे करना ही है। अगेन थैंक्स टू माई डायरेक्टर। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क पे एक मोड़ आया मैं उठे दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया मैं उठे दिल छोड़ आया। ओ रब जाने कब गुजरा अमृतसर, ओ कब जाने लाहौर आया मैं उठे दिल छोड़ आया, ओ एक मोड़ आया मैं उठे दिल छोड़ आया। क्या बात, काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए पक गया मिठिया अंबिया, ये छोटी सी जिंदगी ते रात लंबिया लंबिया। ओ घर आजा परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदड़ी, वे घर आजा परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदड़ी। क्या बात है, गिव अ बिग हैंड, जोरदार ताली होनी चाहिए। लेने की और देने की बात नहीं होती, बात होती है कि एक इंसानियत की होती है, ये झगड़े नहीं होने चाहिए, दोनों तरफ उतना ही प्यार है। ये सियासी खेल होता है जो ये सब नफ़रतें पैदा करता है और वही आप देखेंगे इस फिल्म में भी। जनता नहीं कोई चाहती कि एक दूसरे के साथ हम झगड़े या लड़ें, बिकॉज आखिर हैं तो सब इसी मिट्टी से। लोग बेताब हो गए थे, क्या हुआ था एग्जैक्टली बता दो अब आप।
मुझे भी याद नहीं है। हाँ झूठ बोल रहे हैं। पंप उखाड़ दिए थे। शूट इतना बढ़ जा रहा। इनके इनके वैनिटी वैन में लोग घुस गए थे। नहीं एक्चुअली शूट रोकनी पड़ी थी। वैनिटी वैन को वो मार रहे थे। हम लोग एक सॉन्ग सीक्वेंस शूट कर रहे थे और बहुत खूबसूरत सेटअप था पूरा और बहुत मेहनत से हमारे कोरियोग्राफर और अनिल जी ने सब शॉट लगाए थे और इतनी मेहनत की थी और नाइट शूटिंग थी। हालांकि ये भी नहीं था कि दिन में हम शूट कर रहे थे लेकिन भीड़ इतनी आ गई थी और वो जाने को तैयार नहीं थी कि नहीं हम शूटिंग होने ही नहीं देंगे। जान पे आ गए थे और हमारे मेकअप वैन पे इतने खट 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 कि अनिल जी ने कहा कि यू नो दे गोइंग टू थ्रो स्टोन्स इफ दे डोंट सी यू। सिर्फ आ जाइए बाहर हाथ वेव कर दीजिए और निकल जाइए अपने होटल। सो इट वाज लाइक दैट। और सिमिलर हादसा हुआ था अमृतसर में। उनको पता चला था कि सनी जी आ रहे हैं तो वहाँ लाठी चार्जेस हुए थे, सब कुछ हुआ था। सनी जी को बस नेक्स्ट फ्लाइट वापस बॉम्बे जाना पड़ा था। सो गदर ने अंडर प्रोडक्शन भी बहुत गदर मचाई है। अनिल जी मैं देखा था इसे पर्दे पर। बॉलीवुड इंडस्ट्री की हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर तड़का बॉलीवुड को करें सब्सक्राइब।